समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुरादाबाद के साथ शाहपुर स्थित सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं द्वारा आज की समस्याओं को प्रदर्शनी के माध्यम से उजागर किया गया और समस्याओं के निदान पर भी प्रदर्शनी में सुंदर आइटम तैयार कर समस्याओं से निजात पाने के संदेश भी दिए गए। शुक्रवार को आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी में मुख्य अतिथियों द्वारा बच्चों द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों को खूब सराहा गया और बच्चों की तारीफ की गई। मुख्य अतिथि द्वारा कहा गया कि हमारी ये बेटियां आगे चलकर अपने परिवार का, अपने स्कूल का और अपने देश का नाम रोशन करने का काम करेंगी। साइंस प्रदर्शनी में बच्चों ने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं सोलर ऊर्जा के संदेश दिए। इस दौरान जल संचयन से लेकर पानी बचाने और पानी को सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। विज्ञान की इस प्रदर्शनी में सबसे अच्छा गैलेक्सी का संदेश दिया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा बताया गया कि हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं और इन ग्रहों में सूर्य के निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह है, जैसे बिंदुओं पर बताया गया। मुख्य अतिथियों द्वारा बेटियों द्वारा तैयार की गई इस विज्ञान प्रदर्शनी में लगाए गए उपकरणों की खूब सराहना की गई और कहा गया कि बेटियां हुनर बेटियां हैं और इन बेटियों के द्वारा एक अच्छा संदेश दिया गया है। अगर बच्चे इस तरह की बात मन में सोचते हैं तो यही बच्चे हमें आने वाले दिनों में कई तरह की परेशानियों से बचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी समझदारी ही हमारा भविष्य है। अगर हम समझदारी से काम लेते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया, तो वहीं स्कूल के मुख्य द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई थी, जिस पर छात्राएं अपने आने वाले आगंतुकों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग का भी काम बेटियों द्वारा किया जा रहा था। प्रदर्शनी में मुख्य अतिथियों द्वारा कुछ इस अंदाज में अपनी प्रतिक्रियाओं को। मैं दिल्ली से रिटायर हुआ हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट से एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। आज सर कॉलेज में पहुँचे हैं, क्या देखा है आपने और क्या पाया है? ये साइंस एग्जीबिशन लगी है, यहाँ बच्चों ने साइंस के अलग अलग प्रोजेक्ट पे लगाए हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग पे है, सोलर एनर्जी पे है, विंड एनर्जी पे है और पॉल्यूशन पे है, काफ़ी कुछ वो लगाया है। अच्छा लोगों बच्चों ने लगा रखी प्रदर्शनी, जिससे और इससे बच्चों का काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी। ऐसे प्रदर्शनी लगाने से बार बार स्कूलों में लगानी चाहिए ऐसी प्रदर्शनी। और यहाँ पर मैंने देखा बच्चों ने जो साइंस एग्जीबिशन लगी हुई है, तो बच्चों ने जो आज के खास टॉपिक हैं, जो खास समस्याएं हैं, जैसे पॉल्यूशन है या पर्यावरण को लेकर है, सोलर सिस्टम है या कोविड को लेकर है, सौर ऊर्जा को लेकर है, इसको लेकर काफ़ी कुछ बनाया है। लेकिन जहाँ तक मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है, इसमें बच्चों की मेहनत में कोई कमी नहीं रही है। यदि और ये भी हो सकता है कि जैसे अब कोविड के कारण स्कूल कम है, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पूरा मार्गदर्शन अध्यापिकाओं द्वारा नहीं मिल पाया है। यदि ये अध्यापिकाओं द्वारा पूरा मार्गदर्शन मिलता तो ये और भी अच्छा कर पाते। साइंस के प्रोजेक्ट्स में मेनली वाटर हार्वेस्टिंग, एयर पॉल्यूशन, सोलर एनर्जी और सोलर सिस्टम के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और काफ़ी बच्चों ने मेहनत की है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वर्किंग मॉडल हैं जिसमें सब कुछ अच्छे से चल रहा है। विज्ञान की इस प्रदर्शनी में अच्छे मॉडल बनाने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया, तो वहीं सभी छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल की सभी के द्वारा जमकर तारीफ की गई।